कहाँ चली गई थी? मैं लैट्रिन गई थी ना। अभी नहीं, कल। नहीं तो कल भी मैं लैट्रिन ही गई थी ना। छोड़ो, लैट्रिन जाना नहीं छोड़ सकती मैं, समझे हैं? मैं तुम्हारे बगैर उदास हो गया था जानू। ना आपने मुझे जानू क्यों कहा? प्यार में। तो मेरा नाम जानू है क्या जमशेद? महमूद। मेरा नाम महमूद है। महमूद मेरा नाम है। तो फिर मेरा नाम क्या है? उफ। तो मेरा नाम उफ है। नहीं, मेरा नाम नहीं है। मोमो, हम इतनी दूर यहाँ एक दूसरे का खून पीने नहीं आए हैं। फिर हनीमून? हनीमून पीने आए? हनीमून? हाँ जानू, हमें पहली बार तो मौका मिला है हनीमून मनाने का, वो भी बाटर पर। नबील। हाँ। मुझे आज तुमसे कुछ कहना है। बोलो जानू। वो जानू, ये महमूद साहब होंगे, फोन मत उठाना। क्यों? मूड खराब हो जाएगा। महमूद साहब का? नहीं जानू, तुम्हारा। मैं नहीं चाहता कि आज हमें कोई डिस्टर्ब करे। 84 एपिसोड के बाद तो तुम रोमांटिक हुई हो जानू। हम तुम एक कमरे में बंद हो और नबील, क्या छापा पड़ गया? आप कौन है भाईजान? सिक्योरिटी गार्ड। जानू, तुमने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है? बताओ इसे कि मैं शौहर हूँ तुम्हारा। शट अप नबील, और पूछो इससे को यहाँ क्यों आए हैं। भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? कमरा खाली कराने आया हूँ। आप यहाँ सफाई करेंगे? आपका यहाँ पर 2 दिन का स्टे था, अगर आपको यहाँ पर और रुकना है तो पैसे देने हूँ। क्या? नबील, जाओ जाके पैसे जमा करवाओ। जानू, मेरे पास तो पैसे नहीं है। चले फिर, सामान उठाए और बाहर निकले। यार, अंकल एफटी ने मरवा दिया। कौन अंकल एफटी? तो राणा का दोस्त। कौन राणा? राणा रिजवान बुलबुले का डायरेक्टर। यार नबील, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अरे महमूद साहब किस दिन काम आएंगे, अभी फोन करता हूँ, दौड़ते हुए आ जाएंगे। हेलो महमूद साहब, मैं नबील। अरे यार जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। यार महमूद साहब, हमें होटल वालों ने कमरे से निकाल दिया है और हमारे पास पैसे नहीं है कि हम कहीं और चले जाएं। यार तो महमूद साहब, हम आपके कमरे में आ जाएं यार। हेलो हेलो, हाँ हेलो, नबील आवाज भी आ रही, मेरे ख्याल में सिग्नल नहीं आ रहे। सुबह बात करते हैं। महमूद साहब, किसका फोन था? सलीम। नबील का। नबील का फोन आपके पास क्यों आया? नबील के पास क्यों नहीं है? भाई फोन पर नबील था तो इसीलिए उसका फोन आपके पास आ गया। अरे यार, नबील का कोई दोस्त था? कहाँ पर? फोन पर। अरे तुम फोन को गोली मारो यार। नहीं, मैं फोन को गोली नहीं मार सकती सारी। क्यों? फोन डेड हो गया तो बच्चू है। अरे वक्त जाया मत करो मोमो, दरवाजा ना खोलना। क्यों? अरे ये नबील और खूबसूरत शरारत कर रहे हैं हमारे दरवाजे पर, बेहया बेशरम। अरे ऐसे मौके पे मोमो, दोस्त यार दूल्हा दुल्हन को छेड़ा करते हैं। तो फिर मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे आदमी से शादी की। खूबसूरत, मेरा मूड बहुत ऑफ है, खबरदार जो मुझसे कोई रोमांटिक बात करने की कोशिश की तो। हद होती है बेशर्मी की। हाँ जानू, बड़े छोटे कपड़े पहनती है यहाँ की लड़की। नबील, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। लेकिन जानू, मैं तो टी शर्ट छोटी पहनता हूँ। ओह गॉड, क्या हुआ? जब पैसे नहीं थे तो किसने कहा था दुबई आने के लिए? जे जे ने। अब क्या करें? एक काम करते हैं जानू, तुम्हारे पापा को फोन करते हैं, उनसे पैसे मंगवाते हैं। मैं अपने पापा को फोन नहीं करूंगी। ठीक है, फिर इधर ही इसी सोफे पे सो जाओ। मेरी आंखों में देखो ना,
आपकी आंखें किधर हैं? मेरे चश्मे के नीचे। नहीं तो आपको क्या जरूरत थी अपनी आंखें अपने चश्मे के नीचे रखने की वसीम? महमूद के नीचे रखी है। महमूद प्लीज ऐसी बातें मत करो। फिर कैसी बातें करो? महमूद इस वक्त तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है? मेरा ना वो खाने का दिल चाह रहा है। जूते? नहीं मुस्लिम शावर है? हाँ जी मैंने सुना है कि इधर मुस्लिम शावर बड़ा अच्छा मिलता है। मोमो उसे शावरमा कहते हैं। किसे? मुस्लिम शावर को। हाँ तो फिर मेरे लिए शावर ले आए ना। अरे लेकिन शावर तो मैं अभी थोड़ी देर पहले लेकर आया हूँ। कहाँ रखा है? क्या शावर? मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारे लिए शावरमा ले ही आऊँ। उसके बगैर ये नहीं मानेगी भाई। अच्छा सा मुस्लिम शावर, चटनियां पिकल सारे डलवाने हैं आपने उसमें है? पता नहीं ये मोमो को कब अकल आएगी। या अल्लाह महमूद साहब यार प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज हमारी मदद करें। यार ये किस किस्म के लोगों को आपने अपने होटल में रहने की जगह दे दी है? महमूद साहब अरे जाओ बाबा जाओ, माफ करो। माँ जी मोमो आ गया तुम्हारा शवरमा। आपका नाम शवरमा है? तुमने शवरमा मंगवाया था ना, ये लो। थैंक यू अजमत महमूद। हाँ जी थैंक यू अजमत महमूद। अच्छा तुम ये जल्दी से खा लो, मैं तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहा हूँ। आ गया मामा। हाँ जी क्या हुआ है? ये क्या पड़ा हुआ है? मेरे बच्चे हैं? हाँ ऐसे कैसे हो गए बच्चे? मैं तो शोरमा लेने गया हुआ था। वैसे महमूद साहब बड़ी ज्यादती है, एक तो आप देख के नहीं बैठते, दूसरा हमारे लिए शवरमा नहीं लाए। मामा इसका क्या मतलब, अभी लेके आएंगे? हाँ तो क्या हुआ जी बच्चे ने अपने? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई जाए। Excuse me. गाना पसंद नहीं आया क्या? आप गाना गा रहे थे? अरे आप पाकिस्तानी हैं? आप भी? हाँ लेकिन मैं ज्यादातर बाहर रहा हूँ। घर से? नहीं नहीं मुल्क से। आना कहाँ? मेरा नाम आना है। आपका नाम? मेरा नाम नबील। मेरा नाम अहमद है। आप यही रहते हैं? एक्चुअली मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ था। नबील कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ यार। ये कौन है? दुबई में फकीर होते हैं क्या? फकीर? मेरा ख्याल है हम कहीं और चल के बात करते हैं। तुमने मुझे फकीर कहा? आप क्या कह रही? किस चीज का बिजनेस है आपका? बिजनेस? माफ करो बाबा। नहीं माफ करूंगा बच्चू, तुमने मुझे फकीर कैसे कहा? मेरा ख्याल है हम लोग कहीं और चल के बात करते हैं, यहाँ दो दो टके के लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। आइए पारो। ओके आइए प्लीज। 786 में चले जाओ। आपने बताया नहीं किस चीज का बिजनेस है आपका? कोई एक बिजनेस हो तो मैं बताऊँ आपको। नहीं नहीं बताओ बताओ जरा, मैं भी तो सुनूं। अब वेटर चाय नहीं पीऊंगा। जी सर
इस शख्स को धक्के मार के निकालो, ये बेकारी मुझसे पैसे मांग रहा है, बल्कि मुझे डर है कि मेरे पैसे छीन के भागेगा। निकालो इसे। चलो भाई, चलो चलो, बकवास कर रहा है। चलो 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 चलो, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत। बस अरे आपकी बस भी है, वो मैंने नहीं देखी। बहुत फनी है आप। अरे अभी तो आप अली इमरान जो हमारा राइटर है उससे नहीं मिली, वो मुझसे भी ज्यादा चीप है। ये नीले वाला मॉल कह रही है? नहीं माँ जी, वो जो पीछे रेड बैनर नहीं जहाँ लगा हुआ, वहाँ जाना है। हाँ तो मुझे दिख रहा है, अंधी तो नहीं हो गई हूँ मैं। हाय, आप इसी तरह बाहर चले गए थे मुस्तकीम? अरे नहीं, क्या तो मैं ठीक हालत में था, ये हाल मेरा इस कैमिये ने बनवाया है। क्या? किसी लड़की के साथ ना घूम रहा था, मैंने कहा नबील मैं खूबसूरत को बताऊंगा, उसने मेरा ये हाल करवा दिया है। आए खबरदार जो मेरे पुत्र पर इल्जाम लगाने की कोशिश की होगी। हाँ अगर यकीन नहीं आता ना तो चलो मेरे साथ, मैं अभी दिखा देता हूँ, पूरी दुबई में गंद मचाता फिर रहा है वो जगह जगह। ऐसे क्या देख रही है? आप शादीशुदा तो नहीं है? ऐसा तो सोचिएगा भी नहीं, मैंने कभी शादी नहीं की, मैं तो आज तक आपका इंतजार कर रहा था। सच? तकरीबन मुझ वेटर। तुम्हें तमीज नहीं है? क्या हुआ सर? तुम्हें इतना नहीं पता कि बिल कभी लड़की के हाथ में नहीं देते? मैनेजर कहाँ है तुम्हारा? I am sorry, sir. बस बस, ज्यादा अंग्रेजी बोल के भरमत दिखाओ, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है लेकिन मैं अंग्रेजी नहीं बोलता भाई। सर ऐसी? अरे कोई बात नहीं, मैं बिल दे देती हूँ। नहीं आना, बिल मैं दूंगा। नहीं नहीं, आप नेक्स्ट टाइम दे दीजिएगा, अभी मैं दे देती हूँ। नहीं नहीं, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। तुम नाराज होगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है तुम बुरा मान गई हो। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अच्छा ठीक है ना, ये बिल तुम दे दो, लेकिन आज शाम की चाय मेरी तरफ होगी, मेरे होटल। आपका होटल भी है? नहीं नहीं, जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ ना उस होटल में। ओके बिल दो। आज हम नबील को रंगे हाथों पकड़ेंगे। लेकिन मैंने तो अपने हाथों पे रंग लिखाया ही नहीं है। आओ तुम्हें दिखाऊं तुम्हारे मियाँ के करतूत। ऐसा क्या किया है नबील ने महमूद साहब? ये तुम अपनी आंखों से देख लो ना, वो देखो है? अरे अभी तो इधर ही बैठा हुआ था। अरे मैं सच कह रहा हूँ, सुनो तो मोमो। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो उस लड़की को लेके जरूर कहीं और चला गया होगा। बदतमीजी मत करें, मेरा रमीज ऐसा नहीं है। क्यों शुमेला? नबील, तेरा नाम नबील है? खूबसूरत माँ जी। हाँ मेरा रमीज खूबसूरत नहीं है। चलो खुद ही पता चल जाएगा, जब आज रात वो होटल में नहीं आएगा तो। ठीक है चलो। नबील तुम कब आए? जानू मैं तो बहुत देर से यहाँ बैठा तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। अरे लेकिन तुम तो खुद यहाँ नहीं थे। हाँ मैं गाड़ी का इंतजाम करने गया हुआ था। गाड़ी का? या महमूद साहब, गाड़ी किसके लिए पुत्र? माँ जी आप भूल गई, आज जुम्मा है ना, हमने दुबई घूमना था। अशे मैं जरा 5 मिनट में अपने सनग्लासेस लेकर आई। मैं भी 5 मिनट। कौन थी वो लड़की? महमूद साहब हज की दरख्वास्त दें, इस उम्र में लड़कियों की बातें नहीं करते। नबील तुम मुझे जानते नहीं हो बेटा, मैं तुम्हें फंसवा के ही रहूंगा। महमूद साहब इतनी आसानी से आप मुझे नहीं फंसा सकते। Let us see. अरे जाएं जाएं, पहले जरा चाय बनाएं, बाद में मुझे फंसाइएगा। चलें।
मामू मैं बहुत थक गया हूँ, तुम और मैं चल के होटल में आराम करते हैं। मैं चल के आराम नहीं कर सकती हूँ, मैं बैठ के आराम कर सकती हूँ। हाँ चलो तुम बैठ जाना। खबरदार कोई होटल नहीं जाएगा। क्यों भाई, हम यहाँ दुबई घूमने आए हैं, कोई सोने थोड़ा आए हैं। और जेजे ने कहा था कि मैक्सिमम आउटडोर करनी है। अरे जेजे की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ये जेजे है कौन यार? वो एफटी अंकल का दोस्त। समझा करो ना मोमो, अगर हम इसी तरह घूमते फिरते रहे तो हम अपना हनिया मुनिया कैसे मनाएंगे? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। हेलो। हाँ मैं 15-20 मिनट में आपके होटल पहुंच रही हूँ। क्यों? अरे आप ही ने तो मुझे चाय पे इनवाइट किया शाम को। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। किसका फोन था नबील? वो होटल से फोन था। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जानू कि वो हमारे कमरे के बाथरूम का नल खुला रह गया, वो आके बंद कर दो, मैं बंद करके आता हूँ। अरे लेकिन भाई होटल वालों के पास तो मास्टर की होती है। और क्या? और नहीं तो क्या, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, यहीं बैठो। मेरा कॉफी पीने को दिल कर रहा है, मैं कॉफी लेके आता हूँ। नहीं नहीं तुम यहाँ बैठो, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए कॉफी। बैठो 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 बैठो। नबील के बच्चे, अब देखता हूँ कि तू डेट पे कैसे जाता है। लो भाई गर्मा गर्म कॉफी। शाबाशे। पियो पियो। अरे एक सिप से क्या बनेगा, घटाघट पियो घटाघट। महमूद साहब मैं कोई लस्सी नहीं पी रहा जो घटाघट पी जाऊं, आपने मैदा जलाना है मेरा। गर्म कॉफी का ही तो मजा आता है। पियो साहब, पी लो पी लो। अच्छा अच्छा जा अवश्य। बड़ी जल्दी असर कर गई क्या? तो तुम्हारी मोहब्बत। मैं आपके होटल की लॉबी में आपका वेट। बस 10 मिनट में आया। ओके ये नबील ने आने में देर नहीं कर दी? मुझे लगता है मेरे पुत्र का वो खराब हो गया। वो क्या? वो खाने से हो जाता है ना। बर्तन? नहीं बर्तन नहीं, वो क्या माँ जी? खबरदार, जो तूने उसकी माँ को खराब कहा हो तो। मैंने कब कहा? अभी कहा है तूने। नैला खूबसूरत? नहीं तूने खूबसूरत नहीं कहा, तूने मुझे खराब कहा है। माँ जी प्लीज अब यहाँ तमाशा ना करें। खूबसूरत तुम खाना खाओगी? नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। हाँ 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 पेट, हो सकता है उसका पेट खराब हो गया हो सकता है उसकी नीयत खराब हो गई। हाय आपका सांस क्यों फूल रहा है? वो मैं स्विमिंग कर रहा था ना। लेकिन आप तो गीले नहीं हो रहे। पूल में पानी नहीं था क्या? अरे छोड़िए इन बातों को, आप बैठे बैठे ना प्लीज प्लीज बैठे। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात कहना थी। हाँ हाँ कहो। वो बात ये है कि हाँ हाँ बोलो बोलो। असल में एक मिनट मैं भी आया। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।
हेलो, कहाँ हैं आप? बता नहीं सकता। कब तक आएंगे? वो भी नहीं बता सकता। तो मैं यहाँ कब तक बैठी रहूँ? तुम ना एक काम करो, तुम मेरे रूम में आ जाओ, यहाँ बैठ के आराम से बातें करते हैं। हाँ ये ठीक है, मैं भी आती हूँ। नबील, अरे नबील, ये कहीं पानी तो नहीं खत्म हो गया? मेरा ख्याल है मुस्तकीम, आप पानी की बाल्टी का बंदोबस्त कर लें। मैं समझ गई वो कहाँ है। आप लोग यहीं इंतजार करें, मैं देखती हूँ उसे। कनीज फातिमा, चलो हम घूमते हैं ना थोड़ा सा, आओ आओ। मुझे कमरे में बुलाने का ये बहाना तो नहीं था? अरे आप तो समझ गई, बहुत वो हैं आप। वो तो मैं हूँ। बैठे 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 बैठे, क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी एक ये अंदर से आवाजें कैसी आ रही हैं? मैं ना अंदर गेम खेल रहा हूँ, वीडियो गेम। क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो मैं कह रही थी, एक मिनट, मेरी बात तो सुने। अभी नहीं। अरे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। किससे? मैं जा रही हूँ। बस बस एक मिनट रुको। नहीं, पहले आपका पेट ठीक हो जाए, हम फिर मिल लेंगे। मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। ये कौन है? मैं नबील की बीवी हूँ। कौन नबील? ये। और कौन? ये कौन है? जानू, ये रूम सर्विस के लिए आई थी। मैं यहाँ रूम सर्विस के लिए आई थी। सर्विस हो गई? नहीं, अब होगी। नबील, चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।